Assalamu alaikum. Today we had the privilege of holding a press conference where many members of the media attended. One such member who's been known to the community for a number of years, who's known about the Jamaat for a number of years, has spoken highly about us on his various programs, is here with us today, and I'd like to invite the CEO of Y Media, Mr. Yadhvir Jaiswal. Good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ. आप में से जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम युधवीर जसवाल है. मैं यहाँ पर ग्रुप एडिटर वाई मीडिया ग्रुप से हूँ और सुबह रेडियो प्रोग्राम पर अक्सर आप में से बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं. आपसे बातचीत होती है टी वी प्रोग्राम चैनल वाई के ज़रिए. इसके अलावा हम यहाँ न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, मिड वीक न्यूज़पेपर. हमें साइंस में पढ़ाया जाता है कि हमारे अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो इस मिट्टी में है, जो इस कायनात में है. हमारे अंदर आयरन भी है, हमारे अंदर पानी भी है, हमारे शरीर के अंदर हवा भी है, जिंक भी है, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर गोल्ड भी है, सोना भी है. लेकिन मुझे किसी साइंस की किताब से आज तक ये नहीं पता लगा कि अगर हम इस मिट्टी से, इसी कायनात से बने हैं, तो फिर आखिरकार हमारे अंदर ये इमोशंस कैसे आ गए. एक पत्थर के अंदर, एक किसी केमिकल से अगर हम बने हैं, तो फिर हमारे अंदर इमोशंस कैसे आ गए. इमोशंस की बात, प्यार की बात अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या बखूबी बयान की है, जिसको मैं हमेशा अपने हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिक्र करता हूं. लव फॉर ऑल, हेटरेड फॉर नन. और आज मैं इस जलसे में आकर खुद को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा हूं. जैसा कि अभी प्रेसिडेंट लाल साहब ने कहा, और मैं खान साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, कि आप सब बहुत खुशनसीब हैं जो कि आप अहमदिया जमात के मेंबर हैं. बल्कि मैं हमेशा रेडियो पर यह कहता हूं कि हमारी सिख कम्युनिटी को, हमारी हिंदू कम्युनिटी को ही नहीं, बल्कि दुनिया को सीखना चाहिए अहमदिया कम्युनिटी से कि लव फॉर ऑल, हेटरेड फॉर नन. ये नारा सही मायने में कैसे लागू किया जाता है. पंजाब से हूँ, इंडिया से. हमने टेररिज्म का दौर देखा है वहाँ पर. आज दुनिया के हर कोने में टेररिज्म की बात की जाती है. लेकिन सबसे बढ़िया तरीका जो इस कम्युनिटी से मैं हमेशा सीखना चाहता हूँ, और आज मैंने वाकई वो हकीकत में देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज एक सवाल पूछा गया प्रेसिडेंट खान साहब से, और मलिक साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया. और जो सवाल मेरे भी जहन में था, उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत ज़ाती हो रही है, आखिरकार हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी अहमदिया कम्युनिटी क्या स्ट्रेटजी लेके बैठी है. बड़ा खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि हमें ना प्रोटेस्ट करना है, ना हमें रिवेंजफुल फीलिंग रखनी है, हमें अपनी तरफ से अच्छे काम करते रहना है और इंतज़ार करना है कि किस समय जो प्यार है, जो लव है, उसकी जीत होगी. मेरे एक अजीज़ दोस्त मजीद साहब ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात आज कही यहाँ पर. उन्होंने कहा कि कभी भी आप देख लीजिए, अगर टकरार होती है, एक तरफ आग है, एक तरफ पानी है, पानी और आग की टकरार में हमेशा पानी की जीत होती है. प्यार और नफरत की टकरार में हमेशा लव फॉर ऑल, हेटरेड फॉर नन, हमेशा प्यार की जीत होती है. कनाडा में आने के बाद मैंने अपने आप को ग्रूम किया, हमेशा से इस बात के लिए ट्रेन किया, और मेरी इंस्पिरेशन अहमदिया जमात का ये स्लोगन है कि चाहे मेरे मजहब के बारे में, चाहे मेरे बारे में, मेरे कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में, इवन मेरी फैमिली के बारे में कोई कुछ भी कहे, लव फॉर ऑल में कोई एक्सेप्शन नहीं है. व्हेन यू से लव फॉर ऑल, इट्स लव फॉर ऑल. उसमें कोई भी एक्सेप्शन की गुंजाइश नहीं है. और मैं भी बार पाथवे टू पीस, मैं कहता हूं कि आज जितने भी नौजवान बच्चे हैं, मुझे आज यहां ऐसा महसूस हो रहा है, हमारी गुरबाणी में, हमारे सिखिज्म में कहा जाता है कि जो संगत है वो ऊपर वाले का रूप है. जहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जहाँ नौजवान बैठे हैं, ये भगवान का रूप है, ये रब का रूप है, ये अल्लाह, उस खुदा का रूप मुझे आप में नज़र आ रहा है. और बड़ी अच्छी बात आज उन्होंने कही कि हमें ये मेक श्योर करना है कि वो जो विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस है, रिवेंजफुल फीलिंग, जिसके कारण के
खानदान हमारे पंजाब में तबाह हुए हैं, इंडियन पंजाब की बात कर रहा हूँ, खानदान तबाह हुए हैं हमारे, एक के बाद एक बदले की भावना, रिवेंजफुल फीलिंग, जिसके कारण के सोसाइटीज तबाह हो जाती हैं, रिवेंजफुल फीलिंग, जिसके कारण के देश तबाह हो जाते हैं। मैं अंत में यही कहूँगा इन द एंड कि वो जो विशियस साइकिल ऑफ वायलेंस है उसको ब्रेक कैसे किया जा सकता है, ये अहमदे कम्युनिटी ने ना सिर्फ हमें सिखाया बल्कि पूरी दुनिया को आज सिखा रहे हैं। मैं वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से ये आज फिर वादा करता हूँ, जो मैं बहुत सालों से करता चला आया हूँ, कि चाहे हमारा न्यूज़पेपर है मिडवीक, हम यहाँ इंग्लिश में पब्लिश करते हैं, रेडियो प्रोग्राम जो हम करते हैं साउथ एशियन पल्स, या हमारा अब यहाँ 24 आवर टीवी चैनल है, हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब अभी पिछले हफ्ते आए थे और कल सैटरडे को शाम उनका पहला वन ऑन वन इंटरव्यू है मेरे साथ, जिसमें कि बड़ी डिटेल में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से कई बातें की। हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर हम ये ज़रूर जिक्र करेंगे कि अगर हमें प्यार मोहब्बत से रहना है, पाथवे टू पीस, आज का जो अहमदिया यूथ है जो पाथवे टू पीस हमें दिखा रहा है, मैंने आज उसको बाहर बकायदा रिकॉर्डिंग करके उसको इंडोर्स किया है, और जगह जगह जहाँ भी हमें मिलेगा मौका, चाहे हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, आई गॉट टू मीट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, चाहे कोई फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने का मौका मिला, जिससे भी हमें मिलना है, पाथवे टू पीस और अहमदिया कम्युनिटी किस तरह उसको दिखा रही है। आज अहमदिया कम्युनिटी का यूथ, 20 साल से मैं जर्नलिज्म में कवर कर रहा हूँ, एक भी इंसिडेंस में मुझे ये नज़र नहीं आया कि कहीं पर भी अहमदिया कम्युनिटी का यूथ हो। हर जगह ये नज़र आया कि जहाँ पर भी वायलेंस हुई, चाहे इंग्लैंड में हुई, पेरिस में हुई, कहीं पर भी हुई, अहमदिया कम्युनिटी के बैनर सबसे आगे थे। लव फॉर ऑल, हेटरेड फॉर नन, पानी कोई पिला रहा है, कोई कुछ खाना दे रहा है। हमने कैंडल लाइट विजिल ऑर्गेनाइज किया ब्रैम्पटन में सबसे बड़ी तादाद में, इन द ऑनर ऑफ जो हाल ही में विक्टिम्स थे यंग एंड फिंच वैन अटैक के। सबसे आगे अहमदिया कम्युनिटी के यंगस्टर्स थे, नौजवान थे, जो कि वहां पर प्ले कार्ड्स लेकर खड़े थे, लव फॉर ऑल। मैं हाथ जोड़कर वाई मीडिया की तरफ से आपको जहां शुक्रिया अदा करता हूं, वहां आपको बधाई भी पेश करता हूं। लव फॉर ऑल, हेटवर्ड फॉर नन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।